वी आर ऑल लाइव। तो नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं अवधेश यादव। हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं आप सभी का कानपुर के सबसे चहेते पेज कानपुर यूपी और मेरे अपने पेज चाय पे चर्चा पेज पर। दोस्तों, अब तक के लाइव सेशन में हम सभी ने देखा, सभी लोग हम लोग मिले, कार्डियोलॉजिस्ट, रेटिना सर्जन, आई सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हर बार एक नए डॉक्टर से आपको हम लोग इंटरेक्ट कराते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मोहित कुमार यादव। डॉक्टर यादव हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कंसल्टेंट कैंसर फिजियोथेरेपिस्ट। डॉक्टर यादव कानपुर पेन और चाय पे चर्चा पे, वेलकम सी यू। थैंक यू सर। आपका जो अप्रूवल हो, आपका अप्रूवल है तो आज का जो क्वेश्चनायर सेशन है, जो लोग सवाल तैयार है उन सबके साथ हम तो आपके साथ शुरू किया जाए आज का जो सेशन। बिल्कुल सर, आज का सेशन बहुत ही खास है, स्पेशल जो लाइव सेशन है वो खास तौर से कैंसर के जो पेशेंट्स उनके लिए तैयार किया गया है। आजकल की सबसे तेज जो बीमारी फैल रही है वो कैंसर जैसी छोटी बड़ी बीमारी आजकल आम हो गई है, घर घर देखी जाती है बीमारियां, पर इन्हें जल्द ठीक किया भी जा सकता है, समय रहते इन्हें ठीक किया भी जा सकता है। जो आज का हमारा टॉपिक है सर, वो है रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन कैंसर ट्रीटमेंट। जी, तो सर इसी से जुड़ा एक पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैंसर रिहैबिलिटेशन क्या है, आसानी भाषा में से हम कैसे समझें। कैंसर रिहैबिलिटेशन कैंसर के इलाज की वह प्रक्रिया है जिसमें हम कैंसर के मरीज को ज्यादा से ज्यादा शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और बोलने की क्षमता को दोबारा से उसको प्रदान कर पाए। यह एक ज्वाइंट टास्क होता है जिसमें कुछ स्पेशलाइज लोग मिलकर इस टास्क को कंप्लीट करते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन, सोशल वर्कर, नर्सिंग स्टाफ और स्पीच थेरेपिस्ट। ये सब लोग मिलकर कैंसर के रोगी को वो रोग से पहले जो उसको प्रॉब्लम्स नहीं थी उस तरीके से बनाने की पूरी प्रक्रिया को कैंसर रिहैबिलिटेशन कहते हैं। सर, जो जो कैंसर जैसा सब सुन के लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं लोग, उसमें एक शब्द आता था फिजियोथेरेपी, तो इसका कैंसर में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? एक्चुअली कैंसर की इलाज की बेसिकली पहली प्रक्रिया होती है सर्जरी, सर सर मैं थोड़ा दूसरा सा रोक होता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। आप जब जी कैंसर जैसे रोगियों का ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले जो जो उनका रिएक्शन होता है, कैंसर पीड़ित जो उनके या गार्जियन होते हैं या उनके जो केयर टेकर होते हैं, सबसे पहले आपके पास आते हैं, एक मन में बड़ा उनके संशय होता है, भय होता है, डर होता है, सर मेरे पेशेंट को कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, क्या लगता है सर आपको, कैसे आप उनको डील करते हैं? कैंसर रोगी के लिए सबसे बड़ी जरूरत जो होती है, मैंने आपको बताया कि रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में जो काउंसलर होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो पेशेंट को उसके बारे में प्रॉपर जानकारी देते हैं और भय को दूर करने का एक बड़ा माध्यम है, इसीलिए कैंसर रोग में रिहैबिलिटेशन को रखा गया। इसमें बहुत सारे तरीके, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट को रखने का मतलब ये है कि हम शारीरिक तौर पर जो भी उसको कठिनाइयां आ रही हैं उन कठिनाइयों को कैसे यानी कि दूर किया जाए और पेशेंट को दोबारा से फिर सक्षम बनाया जाए, अपने जो उसके जो भी काम है वो काम को दोबारा से फिर कर सके। इसी तरीके से भय की बात है तो जो काउंसलर होते हैं वो पेशेंट को पूरी तरीके से काउंसलिंग करके उनको एक बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरीके से हमारे स्पीच थेरेपिस्ट हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी का मुंह का कैंसर बहुत ज्यादा फैल जाता है तो उसके गले तक फैल जाता है और वहां पर पेशेंट कुछ चीज निगल नहीं पाता है, कोई चीज इवन उसका जो ध्वनि यंत्र होता है वो भी निकाल दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सबसे हेल्पफुल हमारे स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो उनको दोबारा से बोलने के लिए प्रेरित करते हैं और कुछ चीजें अपरेटस प्रोवाइड करा देते हैं जिससे पेशेंट को दोबारा से बोलने में सक्षम हो जाता है। बिल्कुल सर, जो आपने जिस तरह की चीज बता रहे हैं बड़ी ही लाभदायक है लोगों के लिए, पर जो कैंसर हो गया सर, कई तरह का हम देख रहे हैं कैंसर, चाहे आप जैसे आपने बात की मुख कैंसर की बात, आजकल स्तन कैंसर भी, जो ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर की बात हो रही है,
ये जो मरीज है उनके हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, तो इस मेडिकल की जी जो भाषा है उसको हम कैसे समझें और क्या होने के कारण होते हैं? कैंसर के लिए आज की जो हमारी प्रक्रिया होती है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, इन सारे ट्रीटमेंट के पार्ट को इनका सबका एक मोटो होता है कि कैसे किस तरीके से मरीज की लाइफ को सेव किया जाए। इस प्रक्रिया में हमारा जो बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिस वजह से हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, हाथ में भी आ सकती है, पैर में भी आ सकती है। जिस जगह का कैंसर है लगभग उस जगह के पार्ट के जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारा गड़बड़ होता है। जस्ट लाइक आप हमारे पीछे लिखी देख रहे होंगे कि एक ह्यूमन स्केलेटन है, उसमें आपको ग्रीन कलर का इनकी दिख रहा है, जो ग्रीन पार्ट है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। जस्ट लाइक ये पूरा जो पार्ट है ये लिम्फेटिक सिस्टम ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, जी और जी जो जी हाँ जो रेड कलर से आप हाथ में या पैर में देख रहे हैं ये हमारा लिम्फेडमा जो स्वेलिंग हो जाती है उसको डिनोट किया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो रुकावट होती है जो हमारे एक्जिला वाले पार्ट पे, यहाँ पर इस जगह पर जो टिश्यू, क्योंकि ब्रेस्ट के नियरेस्ट लिम्फ थोड़ा नोड्स सा सिस्टम यही। को आप थोड़ा सर थोड़ा सा अगर लैपटॉप को आप उसकी तरफ डिस्प्ले करें तो बेहतर रहेगा, लोग समझ पाएंगे। जी बिल्कुल जी जो हमारा ये हमारा जो यहाँ पर जो एक्जिला वाला पार्ट होता है, यहाँ पर सबसे जी ज्यादा लिम्फ नोड्स ब्रेस्ट कैंसर में क्षतिग्रस्त होते हैं। जब लिम्फ नोड्स क्षतिग्रस्त होंगे तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम गड़बड़ होने की वजह से जो लिम्फ फ्लूड है वो हमारे हाथों में भरना शुरू हो जाता है, और हमारा एक एक जो मेडिकल टर्म में जिसे कहते हैं लिम्फेडमा हो जाता है। एक लिम्फेडमा में जो ये फ्लूड होता है हमारे, जो जैसे लिम्फेटिक फ्लूड जिसकी बारे में बात कर रहे हैं, लिम्फेटिक फ्लूड बॉडी का हाई प्रोटीन फ्लूड होता है जो हमें सबसे ज्यादा पूरी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अभी हमने कोविड टाइम में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी के ऊपर चर्चा की हुई है, और जो इम्यूनिटी पावर होती है पूरे बॉडी में जो डिवाइड करता है वो यही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, और जब एक जगह पे ये स्टोर होने लगता है तो फिर कहीं ना कहीं वो वापस अपने चैनल में नहीं जा पाता है, और पेशेंट को दर्द दे सकता है, झंझनाहट दे सकता है, भारीपन दे सकता है, और कभी कभी ये अपनी जगह पे लीकेज भी होने लगता है। अच्छा, आपने जैसा बताया कि जो आप इससे पहले बताए थे लिम्फेडिमा, बड़ा ही जी मुझे तो कहने बड़ी दिक्कत हो रही है लिम्फेडिमा, पर आम भाषा में जी इसको कैसे समझे हम लोग? एक जो बीमारी लिम्फेडिमा क्या समझ सकते हैं एक आम भाषा में? अगर व्यूवर्स देख रहे हैं जो खासतौर से कैंसर पेशेंट भी हो सकता है, कोई व्यूवर यहाँ जुड़ा हमारे साथ, अगर उनको आसान भाषा में हम लोग इसे समझा सकते। आसान भाषा में अगर हम इसको समझें तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसकी वजह से हमारे हाथ में असीमित सूजन आई है, ये सूजन बराबर बढ़ती चली जा रही है, सूजन हम ये इसको जैसे देखने से भी फील होती है कि यहाँ पे स्वेलिंग है, इसके अलावा हमारे कपड़े जैसे टाइट होने लगते हैं तो स्वेलिंग का पता चलता है, ये हमारी बराबर स्वेलिंग होती जा रही है। स्पेशली स्तन कैंसर के मरीजों को इसके बारे में विशेष ख्याल रखना चाहिए, उनको इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अगर किसी मरीज में ऐसी स्वेलिंग आ रही है तो उसको सबसे पहले अपने लिम्फेडमा थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए कि इसके बारे में हम बेहतर क्या उपचार ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, इससे काफी लोगों को अवेयर किया। डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जो आपने बताया लिम्फ मैंने आपने काफी अवेयर किया, क्या इस बीमारी का इलाज कानपुर जैसे महानगर में है, संभव है? जी, मैं पिछले 12 वर्ष से कानपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और इसी कैंसर रिहेबिटेशन के मकसद से मैंने अपना एक क्लिनिक बनाया हुआ है जो गुरुदेव चौराहे पर कानपुर ऑन्को एंड लिम्फेडमा रिहेबिटेशन सेंटर के तौर पर स्थित है, जहां पर लिम्फेडमा से रिलेटेड सारी लेटेस्ट इनकी टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बेसिकली 3 चरण होते हैं ट्रीटमेंट के। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें पहला हम एक न्यूमेटिक कंप्रेशन देते हैं, एक दबाव की मशीन आती है उसमें हाथ को रख के दबाव दिया जाता है। दूसरा होता है मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, हम हाथ से जो लिम्फ नोड हैं उनको एक्टिव करने का काम करते हैं,
और जो स्वेलिंग है उसको वापस फिर उसी चैनलों में भेजने का काम करते हैं। तीसरा हमारा चरण होता है कंप्रेसर बैंडेज। कंप्रेसर बैंडेज एक मल्टी लेयर कंप्रेसर बैंडेज होती है, उसमें 5 से 6 बैंडेज होती हैं, वो एक साथ पेशेंट को बांधी जाती है और धीरे धीरे स्वेलिंग वहां से कम होके पूरा अपने चैनल में चली जाती है और पेशेंट को अब उसके दर्द से, झंझनाहट से, भारीपन से राहत मिल जाती है। बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर। डॉक्टर जो बीमारी आपने जो बताई लिख मीडियो में, अगर कोई व्यक्ति है, कोई रोगी है, कोई कैंसर पेशेंट है, उसको नजरअंदाज करता है तो क्या ये बर्बल कंडीशन में आ सकती है? नजरअंदाज पेशेंट करना कभी मुश्किल पड़ता है क्योंकि पेशेंट इतनी चीजों से ग्रसित हो जाता है कि उसका नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है पेशेंट का ज्वाइंट की मूवमेंट जा सकते हैं, उसका हाथ बहुत भारी हो सकता है, हाथ में बिल्कुल कड़ापन हो सकता है और कभी कभी वहां से लीकेज होने के चांसेस होते हैं। अगर लीकेज वाली कंडीशन में जाते हैं या कड़ेपन में जाते हैं तो हाथ का मूवमेंट लॉस भी हो सकता है। तो इस प्रक्रिया में पेशेंट को बहुत ज्यादा यानी कि अपने आप को सर्वाइव करता है और ऐसी कंडीशन पेशेंट को बहुत कठिनाई होती है। सर आज अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे चले जाए 10-15 साल 20 सालों में तो कैंसर जैसे शब्द से लोग डर जाते थे, गाँव देहातों में स्थितियाँ बड़ी गंभीर हो जाती थी। अब धीरे धीरे जिस तरह की इंस्ट्रूमेंट आए, अपरेटस आए, उससे इलाज संभव हो गया है, कई विशेषज्ञ भी शामिल हो गए इसमें, नई नई टेक्नोलॉजी हो गई। पर कैंसर के सर कई हम लोगों ने रूप सुने हैं, जैसे आपने इससे पहले बताया मुख कैंसर या मुंह का कैंसर होने तक मरीज का जो मुंह होता है वो खुलना बंद हो जाता है, क्या फिजियोथेरेपी में इसका इलाज संभव है? मुंह कैंसर के बाद की एक सबसे बड़ी दिक्कत पेशेंट को जो होती है वो ये होती है उसका मुंह खुलना बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का मुंह खुलना बंद हो जाएगा तो सबसे बड़ा जो उसको दिक्कत होती है, एक तो बोलने में दिक्कत होती है, दूसरी उसकी दिक्कत होती है कि कोई भी खाना निगलने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभी लोग लिक्विड डाइट पे चलते हैं। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देख के पेशेंट का मुंह खोला जा सकता है, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनसे हम मुंह खोल सकते हैं। दूसरा कुछ एपरेटस होते हैं जिससे हम पेशेंट के मुंह को खोल सकते हैं, जैसे एक एपरेटस हमारे पास ये है ओरावाइट। ओरावाइट स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि ये पूरा मुंह को खोलने का काम करता है, ये पेशेंट को लेके उसको ये इस तरीके से अपने मुंह को खोल सकता है। जबड़ा होता है, जबड़ा ही जाम होता है, इसको रिलीज करते हैं थ्रू मैनुअल थेरेपी और कभी कभी जरूरत लगती है तो कोई अपरेटस भी यूज कर लेते हैं। साथ साथ में हम ओरावाइट पेशेंट को दे देते हैं। इससे पहले क्या होता था, जैसे अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, पहले जो यूज होता था हमारा ये जॉ ओपनर यूज होता था। इस जॉ ओपनर यूज होने पे एक मेजर प्रॉब्लम ये आती थी कि पेशेंट के जो दांत होते हैं, जैसे रेडिएशन चला, कीमोथेरा, इतने सारा उसने प्रोसेस पूरा झेला, तो जॉ ओपनर से क्योंकि ये सीधा सीधा मुंह में ऐसे खुल रहा है तो दांत काफी कमजोर हो जाते थे और दांतों में मसूड़े या दांत टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे, पेशेंट अपने आप को इंजर्ड भी कर लेता था। ये काफी सेफ होता है और अगर प्रॉपर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में अगर आप इनकी ट्रीटमेंट को लेते हैं तो बेहतर तरीके से अपने इलाज को पा सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है कि जो इंसान लिक्विड डाइट पे चल रहा है कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है और एक हेजिटेशन बहुत होता है, जैसे आपके किसी अपने रिलेटिव के यहाँ गया, कहीं भी गया, तो हर जगह वो नहीं बोल सकता है कि भाई मेरा मुंह नहीं खुलता, मैं मुझे लिक्विड ही चाहिए, तो ये एक बड़े हेजिटेशन और कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर वो ग्रसित हो जाता है और समाज से कटने लगता है। डॉक्टर जो इससे पहले आप जो अपरेटस दिखा रहे थे, एक बार हम चाहेंगे व्यूअर्स को एक बार फिर से उसको आप एक्सप्लेन करें। ये हमारा ये अपरेटस होता है ओराबाइट। ओराबाइट में क्या होता है कि इसमें पूरा मुंह खोलने की, जैसे ये मुंह के अंदर हमारा ये दोनों इसकी प्लेट चली जाती है और ये खोलने के, जैसे इसमें जो ये हैंडल दिया होता है इस हैंडल को हम धीरे धीरे प्रेस करते जाते हैं और ये हमारा अपरेटस मुंह के खोलता जाता है। लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक काम होता है, इसमें अपने आप से आप इसको नहीं कर सकते, थोड़ा सा सावधानी बरत के करना होता है।
और इसमें सबसे जो अच्छा चीज होता है कि इसमें मेजरमेंट भी दिया होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें मेजरमेंट भी दिया हुआ है कि आपका मुंह कितना खुल रहा है। तो एक पेशेंट को रेशियो होता है कि आज मैंने इतना खोला, 2 दिन बाद इतना खोला है, और हम इस तरीके से इसको कैसे लिखे और इम्प्रूव कर सकते हैं। कभी 1 mm, कभी 2 mm, कभी 3 mm, जिस तरह से साइज बढ़ती जाए। जी अरे डॉक्टर, जी और साइज ये चीज़ करती बिल्कुल, बताएं। साइज के साथ साथ क्या होता है कि पेशेंट को हम हेजिटेशन से और उसके लिक्विड डाइट से जरूर बचा सकते हैं। और ये धीरे धीरे करके, जैसे कभी कभी हमारे मुंह को बोलने के लिए स्पेशली वर्ड जब बोलते हैं तो हमारी टंग जो ऊपर नीचे मूव करती है, जब आपका मुंह नहीं खुलेगा तो बोलने में बहुत दिक्कत आती है। तो और जो जो इंसान 40 साल की एज या जिस एज ग्रुप तक अभी तक वो अपने आप को नहीं बड़ा किया है, और उसी साथ में ही अगर वो बोलना बंद करते हैं तो कम्युनिकेशन गैप बहुत हो जाता है। कभी फैमिली मेंबर उसकी बात को समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं। डॉक्टर बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर सारे लोग अवेयर हो रहे हैं। बहुत ही एक मुद्दा था जिसे लोग नहीं समझ पा रहे थे, आपने बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। सर इसमें एक नया जो सवाल आता है, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कैंसर रोगी एक्सरसाइज कर सकता है, व्यायाम कर सकता है? बिल्कुल, कैंसर रोगियों को बिल्कुल एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, या जिस जगह की जरूरत है उस हिसाब से स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने से पेशेंट को बहुत लाभ होता है। या रेगुलर वे में कुछ चीजें वो अपना से कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग है, एक्सरसाइज है, या प्राणायाम है, या योगा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रॉपर गाइडेंस में करें। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, और हर पेशेंट को करना चाहिए। सर एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगा, आप जो भी कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशली देख रहे हैं, सबसे पहले अगर जी कोई व्यक्ति कैंसर पेशेंट से आपके पास आता है, सबसे पहले प्रतिक्रिया उसकी क्या होती है, और आपकी तरफ से उसका सही रिएक्शन क्या होता है, मतलब उसको सबसे क्या पहले मेडिकल तो एडवाइस होता है? सबसे पहले जो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले बहुत ही निराशा में होता है। उसका एक बड़ा कारण ये कि प्रॉपर काउंसलिंग उसकी नहीं हुई है, क्योंकि जितने लोग उसको मिलते हैं एक दयनीय भाव से देखते हैं उसको। किसी एक पार्ट के कमजोर होने से शरीर पे प्रभाव जरूर होता है, लेकिन व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं होता है, वो दयनीय नहीं है। लोग दयनीय तरीके से, अरे एक शॉकिंग रिएक्शन देते हैं, अरे इनको कैंसर हो गया है। ठीक है, कैंसर हुआ है, अगर हम अर्ली स्टेज पे जाके उसका प्रॉपर उपचार करते हैं तो पेशेंट की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे एक सोसाइटी में हमें अवेयर होना पड़ेगा कि किसी भी रोगी से बात करें तो उस पे दया भाव नहीं करें, उसको सहानुभूति दें, उसको प्रॉपर तरीके से समझाएं। या पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई भय नहीं है, लेकिन जो 4 लोग मिलते हैं वो पूछते हैं, अरे आपको कैंसर हुआ है, आपको ये हुआ है, अरे आप तो अब तो लाइफ आपकी बड़ी गड़बड़ है। अरे आप, वो पेशेंट पूरा इलाज ले रहा है, आप अगर आप उसको काउंसलिंग करिए, पेशेंट को जो आपके रिलेटिव हैं, आपके मिलने वाले जो आपके वेल विशर्स, वो उन लोग उनको सहानुभूति दीजिए, और बेटर करने के लिए हर पेशेंट के लिए प्रोत्साहित करिए कि वो अपने प्रोफेशन में जहां भी वो अपना वर्क कर रहा है एक नॉर्मल लाइफ जिए। यानी कि सर हम कह सकते हैं कैंसर से लड़ना है, डरना नहीं है। जी जी बिल्कुल, कैंसर से हम लड़ सक के जीत भी जाते हैं, लेकिन भय के वातावरण में लोगों के साथ ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, और भय ही सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को डिमोलाइज करता है, कि वो अपने काम को नहीं प्रॉपर कर पाते हैं। एक सपोर्टिंग होना चाहिए। मैंने देखा है सर, अगर हम बात बॉलीवुड हॉलीवुड की, यानी कितने सेलिब्रिटी कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, बाद में ठीक हो रहे हैं, हमें उनसे मोटिवेट होना चाहिए कि कैंसर से हम लोग जीत सकते हैं। सर एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहिए, जीत गए प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, इनकी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को, उन्होंने हर मिनट को एक बेस्ट वर्क के लिए जिया हुआ है। इसमें एक बहुत जाना माना हमारे बीच अभी नहीं रहे हैं, डॉक्टर के अग्रवाल जी, जिन्होंने लास्ट टाइम तक अपने आप को कोरोना से लोगों को अवेयर किया, लास्ट टाइम तक वो लोगों को अवेयर ही करते रहे, ऑक्सीजन सपोर्ट पर होने के बाद भी। तो वो जज्बा चाहिए हमें हर बीमारी से लड़ने का। और बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं, या हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं,
जिनको देख के कोई नहीं कह सकता है कि वो किसी कैंसर सर्वाइवर रहे हैं या कोई भी उनको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ इनके नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं और दूसरों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि लोग इससे लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारी भारत सरकार ने जो मुहिम छेड़ी है कि कोरोना हारेगा देश जीतेगा, आपसे हम चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर अपील करें आप। बिल्कुल, हर देशवासी को कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवाना चाहिए और लगवाने के साथ साथ अपने आस पड़ोस में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए मोटिवेट करना चाहिए, स्पेशली क्योंकि हमारा देश जीतेगा तभी हम जीतेंगे। और सबसे जो हमारे जो कैंसर रोगी हैं उनको तो और ज्यादा अवेयर होकर सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कुछ केयर कर सकते हैं, जिन लोगों को लिम्फेडमा हो रखा है उस पार्ट में वैक्सीन नहीं लगती है, दूसरे हाथ में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। डॉक्टर यादव, आपने कैंसर से जुड़ी काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपोर्टेंट जानकारी शेयर की, निश्चित ही इससे कैंसर के प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़ी है। सर आपने बहुत ही कम समय में, बहुत ही सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में व्यूअर्स को जो जानकारियां दी उनसे कहीं ना कहीं हम लोग अवेयर होंगे और हमें फायदा ही मिलेगा। सर आपने बहुत ही कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच फॉर क्लास। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, आपके कानपुर यूपी पेज के सभी व्यूअर्स को धन्यवाद जो इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और अपने आप को अवेयर कर रहे हैं कैंसर के लिए। कैंसर से हम लड़ेंगे तभी हमारा हम जीतेंगे और हमारा देश भी जीतेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।